गाइस अगर आप अभी के टाइम में YouTube ओपन करोगे तो सिर्फ आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा, पागल M10 चोर है, पागल M10 ने ये किया, पागल M10 ने वो किया, पागल M10 ऐसा है, पागल M10 वैसा है। पागल M10 से जुड़ी आपको बहुत सारे एक्सपोज वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको पागल M10 से जुड़ी दो ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा जिसको जानने के बाद आप खुद बोलोगे नहीं यार सारा गलती पागल M10 का नहीं है, 50% सामने वाला का भी गलती है। पॉइंट नंबर वन, अभी के टाइम में लोग प्लस यूट्यूबर जो है पागल M10 भाई को इसलिए एक्सपोज करे क्योंकि उसने एक फेक एप्लीकेशन का प्रमोट कर दिया था। लेकिन मेरे भाई जैसे ही पागल M10 भाई को पता चला कि ये एक फेक एप्लीकेशन है तो उसने फटाक से उस वीडियो को जो है प्राइवेट कर दिया। तो भाई पागल M10 ने क्या गलत किया? पॉइंट नंबर टू, जाने से पहले अगर आप कसम देने वाले यूट्यूबर को चप्पल से माना चाहते हो तो वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मुझसे बातें करनी हो या कोई हेल्प चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर टू, अभी के टाइम में लोग प्लस यूट्यूबर जो है सारे के सारे पागल M10 को एक्सपोज करे और जितने भी गलत काम होते हैं उसके सारे एलिगेशन जो है पागल M10 के ऊपर लगा रहे हैं। यानी सबसे बड़ा दोस्ती जो है वो पागल M10 है और बाकी जो लोग है वो दूध के धुले हुए। अरे मेरे भाई मैं मानता हूँ कि पागल M10 का कुछ गलती है, लेकिन सामने वाले का भी तो कुछ गलती है ना। सिर्फ आप एक साइड से देखोगे तो कैसा होगा, दोनों साइड से देखोगे तभी ना बेहतर होगा।